हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट को किस तरह से क्लोज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपस्टॉक्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉलो करना होगा। आप अपस्टॉक अकाउंट को 5 मिनट में ओपन तो कर सकते हो, लेकिन उसको क्लोज ऑनलाइन नहीं किया जाता है। उसको क्लोज करने के लिए आपको ऑफलाइन फिजिकल हार्ड कॉपी भेजना होगा। तो देखिए, एट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये अपस्टॉक्स क्लोज योर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक क्लोज योर रिक्वेस्ट फॉर्म करके एक लिंक रहेगा, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करके आपको एक एड्रेस में भेजना होगा। तो इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है आगे मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक फुल देखते रहो बिना स्किप किए। तो चलिए इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। तो एट फर्स्ट देखिए, ये फॉर्म आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद उसको प्रिंट आउट कर लेना। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, कलर भी कर सकते हो। तो जैसे आप प्रिंट आउट कर लोगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर, यानी आप जिस डेट में इस फॉर्म को फिल कर रहे हो उसका यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर देना होगा। यानी आप जिस डेट में इस फॉर्म को फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पर देना होगा। उसके बाद देखिए, क्लोज योर इंटरनेट बाय बीओ डीपीओ सीडीएसएल, तो यहाँ पर आपको CDSL पर क्लिक करना होगा। यानी अपस्टॉक्स जो डीमैट अकाउंट क्लोज होता है वो CDSL के थ्रू ही होता है, बीओ एंड डीपीए के थ्रू नहीं होता है। तो आपको CDSL में टिक मार्क देना है। उसके बाद देखिए, टू बी फिल्ड द बीओ प्लीज फिल द डिटेल्स इन ब्लॉक लेटर इन इंग्लिश, यानी ऑल डिटेल्स आपको इंग्लिश में फिल करना होगा, वो भी ब्लॉक लेटर्स में। तो उसके बाद देखिए, डीपी आईडी आपको यहाँ पर शो होगा, आपका जो भी डीपी आईडी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पर देना होगा 8 डिजिट। तो आपका जो लॉगिन क्लाइंट आईडी है 6 डिजिट, वो आपको यहाँ पर नहीं देना है। आपका जो CDSL का क्लाइंट आईडी है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो CDSL का क्लाइंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको फोन करना है एंड आपका जो 6 डिजिट लॉगिन क्लाइंट आईडी है उसको बताना है, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कोई भी एक आपको बता दोगे तो आपको CDSL का क्लाइंट आईडी भेज देगा SMS या मोबाइल के थ्रू। आपको जस्ट फोन करके ये कहना है कि मुझे CDSL का जो क्लाइंट आईडी है मेरा 8 डिजिट वो चाहिए, तो आपको SMS या ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो जैसे आपको क्लाइंट आईडी मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी को फिल कर देना है। तो जैसे ही फिल कर दोगे, उसके बाद देखिए नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर, यानी अगर आप अकाउंट का सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो आपको यहाँ पर अपना फुल नेम यहाँ पर इंटर कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेम ऑफ द सेकेंड अकाउंट होल्डर, नेम एंड द थर्ड अकाउंट होल्डर, यानी आपका जो अकाउंट है और भी अगर कोई अकाउंट होल्डर से उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो आपका ही नाम यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में फिल कर देना होगा। तो जैसे ही फिल कर दोगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है यहाँ पर मेंशन करना होगा, वो भी ब्लॉक लेटर में, वो भी फुल एड्रेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो भी सिटी है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना होगा। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद देखिए आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना होगा। उसके बाद देखिए आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। तो जैसे ये सारे फिल कर दोगे, उसके बाद देखिए रीजन ऑफ क्लोज योर द अकाउंट, तो यहाँ पर आपको एक रीजन देना होगा किस रीजन के वजह से आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो। तो कोई भी एक रीजन आप दे सकते हो, अगर आप कोई भी रीजन नहीं है आपके पास तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीजन दे दूंगा, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए बैलेंस रिमेनिंग इन द अकाउंट, तो यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना होगा। एप्लीकेबल पर आपको टिक मार्क करने के बाद आपको इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए यहाँ पर डीपी आईडी, तो देखिए यहाँ पर ऊपर डीपी आईडी लिखा हुआ है, वही डीपी आईडी आपको यहाँ पर फिर से लिख देना होगा। तो जैसे ही लिख दोगे, देखिए यहाँ पर क्लाइंट आईडी, ऊपर में जो क्लाइंट आईडी आप 8 डिजिट का लिखा था वही क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पर फिर से लिखना होगा।
ठीक है, तो जैसे ही लिख दोगे वहां पर देखिए बैलेंस पर्सेंट इन अकाउंट, यानी आपके अकाउंट में अभी कोई बैलेंस है तो उसको आप क्या करना चाहोगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक छह ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए एक लास्ट में लॉक इन इस करके ऑप्शन होगा, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। तो जैसे ही टिक मार्क कर दोगे उसके बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यहाँ पर देखिए नेम एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर देखिए आपका फुल नेम यहाँ पर लिख देना होगा, उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर है यहाँ पर कर देना है। तो जैसे यहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे यही पर आपका जो फॉर्म फिल का काम होता है वो स्टॉप हो जाता है, और आगे का जो फॉर्म फिल होगा देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव, यहाँ पर और भी एप्लीकेशन नंबर डेट, ये सारे के सारे देखिए वो जो है अपस्टॉक्स ऑफिस जो स्टाफ होगा वो फिल करेगा। तो यही जस्ट ये फॉर्म ये सारे आपको लिख देना है, एंड लिख देने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से एक लिफाफे में डालना है। उसके बाद मैं एक एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस एड्रेस पे इसको आपको करियर करना होगा, यानी पोस्ट या करियर कोई भी एक काम कर सकते हो आप, इंडियन पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो या किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। आपको लगभग 40 रुपीज के आसपास लगेगा अगर आप इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हो। तो मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आप फ्री में कोरियर करना चाहते हो एक भी पैसा लगेगा, तो आपको क्या करना होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड फ्री में कोरियर करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना होगा कि फ्री में कोरियर की वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो मैं तुरंत जैसे यहाँ पर 50 लाइक्स आ जाता है इस वीडियो में तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप फ्री में ही कोरियर भेज सकते हो, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जैसे आपका फॉर्म अपस्टॉक की जो ऑफिस है वहाँ पर पहुंच जाता है तो विद इन वर्किंग टू 5 वर्किंग डे ये अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे क्लोज हो जाता है आपके पास एक SMS एंड ईमेल आ जाएगा, तो किस तरह का होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे आपका अकाउंट क्लोज होगा तो देखिए UCC क्लाइंट एक्टिव एंड क्लोज करके एक मेल आएगा, यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डियर सर मैडम योर क्लाइंट कोड इज, यहाँ पर आपका जो क्लाइंट कोड है दिख जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्टर विद द ब्रोकरेज, उसके बाद देखिए CLG नंबर एंड हैज बीन क्लोज्ड, देखिए 20 फरवरी को जो ये अकाउंट है ये क्लोज हो चुका है सक्सेसफुली। जिस दिन अपस्टॉक्स में ये फॉर्म रिसीव हुआ था उसके एक दिन के बाद ही ये अकाउंट जो है क्लोज कर दिया गया था। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, आपको जो कोरियर करना होगा इंडियन पोस्ट के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर के थ्रू। और अगर आपको फ्री में कोरियर करना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा। तो जैसे ही 50 लाइक मेरे इस वीडियो में आ जाता है मैं उस वीडियो को तुरंत बना के अपलोड कर दूंगा। तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।